यूपी के सोनभद्र में खौफ का कारण बने हाथियों के झुंड ने एक बार फिर बस्ती में प्रवेश कर दिया। जी हां, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। जब विभाग की टीम ग्रामीणों को बचाने आई तो वो भी हाथियों के आगे बेबस नजर आई। जानकारी अनुसार जंगली हाथियों के रिहान जलाशय के अंदर गेदुरी पहाड़ी पर संरक्षण लेने के बाद बंगाल से आई टीम और वन कर्मी बेबस दिखे। जी हां, हाथियों के रणनीति के आगे वन विभाग की सारी सोच और प्लानिंग फेल होती नजर आ रही है। जब हाथियों का समूह मयूरपुर के पास भाबनडीहा तक पहुंच गया तो रूट चार्ट सागो बांध त्रिशूली बनाया गया, लेकिन हाथियों के डैम किनारे पुनः लौटने पर प्लानिंग फेल हो गई है। जी हां, प्रभागीय वनाधिकारी एमपी सिंह का कहना है कि जंगल से जब हाथियों का समूह किनारे आया तब देखते हैं उन्हें अब किस रास्ते भगाना है। सोमवार की रात बंगाल की टीम ने जब हाथियों को भगाने का सफल प्रयास किया तो एक हाथी वहां से हट तो गया, पर कुछ दूरी पर सरकारी हैंडपंप के हैंडल को सूंड से ऐंठ कर टेढ़ा कर दिया। वन दरोगा विजेंद्र सिंह ने बताया कि हाथी दिन में भले ही डर जाते हों, पर रात में केवल आग से ही डरते हैं। हाथी रात में ही गांव की तरफ रुख करते हैं, दिन में घने झाड़ियों और जंगल के बीच चले जाते हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।